इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यूनिट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज एक कंपनी को किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि उस कंपनी के अंदर एक आदमी होगा और वो आदमी अकेला उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कुछ ही समय में डेवलप कर लेगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक टीम को असाइन करती है इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अब ये जो टीम होती है, उस टीम के अंदर सब टीम्स होती है। मान लेते हैं कि हमारे इस टीम के अंदर 6 सब टीम्स है और जो भी सॉफ्टवेयर उन्हें डेवलप करना है, उस सॉफ्टवेयर को भी अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लॉगिन पोर्टल के लिए एक मॉड्यूल हो गया, पेमेंट गेटवे के लिए एक मॉड्यूल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर उन्हें डेवलप करना है, उस सॉफ्टवेयर को 6 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली हमारे पास 6 सब टीम्स हो गई और 6 मॉड्यूल्स हो गए। तो हर एक सब टीम को एक एक मॉड्यूल असाइन की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सब टीम वन को मॉड्यूल 1 मिल गया, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ओके, तो यूनिट का मतलब क्या होता है? ये जो हर एक मॉड्यूल होती है ना, उन हर एक मॉड्यूल को तुम एक एक यूनिट समझ सकते हो। मतलब बेसिकली मॉड्यूल 1 एक यूनिट हो गया, मॉड्यूल 6 एक यूनिट हो गया, काइंड ऑफ दैट। ओके, और अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं तो यूनिट इज अ स्मॉलेस्ट टेस्टेबल मॉड्यूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो यूनिट ये होता है। ओके, अब यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग मतलब हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना, इसे यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। तो अभी यूनिट टेस्टिंग जब हो जाता है, तब हर एक मॉड्यूल को कंबाइन किया जाता है और फिर हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, राइट? तो बेसिकली यूनिट और यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये होता है। अब यूनिट टेस्टिंग के बाद जो टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग का नाम है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब की जाती है? जब हम इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ लाते हैं, यानी कि मतलब इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कब करते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर टेक्निकल भाषा में मैं कहूँ तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओके, अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग या तो डेवलपर करता है या तो प्रोग्रामर करता है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के कुछ टाइप्स होते हैं। मेजरली देर आर टू टाइप्स, यू कैन से टू अप्रोचेस ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फर्स्ट इज बिग बैंग अप्रोच एंड सेकेंड इज इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। एंड बाय द वे, इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर 3 अप्रोचेस आते हैं। फर्स्ट इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन, सेकेंड इज बॉटम अप इंटीग्रेशन एंड थर्ड इज सैंडविच अप्रोच। अब हम ये समझते हैं कि बिग बैंग अप्रोच के अंदर क्या होता है। बिग बैंग अप्रोच के अंदर जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, इन सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और जब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है, उस सॉफ्टवेयर को एक ही बार में टेस्ट किया जाता है। मतलब एक ही बार में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट कर दिया, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। तो बिग बैंग अप्रोच के अंदर ये होता है। अब बिग बैंग अप्रोच के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। तो अभी इसका एक एडवांटेज है और वो ये है कि जो छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिग बैंग अप्रोच एक बेटर तरीके से काम करता है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर ना डिफेक्ट्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके अंदर हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही बार में टेस्ट करते हैं। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि बिग बैंग अप्रोच के अंदर सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर को एक ही बार में टेस्ट किया जाता है, तो इतने सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, हर एक मॉड्यूल का एटलीस्ट एक इंटरफेस तो होता ही है। तो क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को एक ही बार में टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास टेस्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, ठीक है? तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज हमारे पास इतने सारे इंटरफेसेस है टेस्ट करने के लिए, तो चांसेस है कि हम कुछ इंटरफेसेस को टेस्ट करना मिस आउट कर दें। ओके, अब
हम अगले अप्रोच को देखते हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो अभी इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को मर्ज किया जाता है और मर्ज करने के बाद उनको टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज किया है, तो ये जो दो मॉड्यूल्स है ये मॉड्यूल्स लॉजिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। और दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को मर्ज करके उनको टेस्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मॉड्यूल्स को मर्ज करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि जिन मॉड्यूल्स को हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है वो मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं नहीं। और फिर क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमने दो मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके टेस्ट किया, उसके बाद लेट्स से हम तीन मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके उनको टेस्ट करेंगे, फिर चार मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके उनको टेस्ट करेंगे। ऐसे ये नंबर बढ़ते जाता है तब तक जब तक हम सारे के सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट नहीं कर लेते तब तक। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंटल टेस्टिंग के अंदर जो अलग अलग अप्रोचेस है, जैसे कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन, सैंडविच अप्रोच, ये अप्रोचेस क्या कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है या इसके अंदर हम क्या करते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हम वो मॉड्यूल्स टेस्ट करते हैं जिनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, उसके बाद धीरे धीरे कर करके हम नीचे आते हैं, मतलब धीरे धीरे फिर हम उन मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं जिनकी कम प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद हम उन मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं जिनकी सबसे ज्यादा कम प्रायोरिटी है। तो बेसिकली टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर हम ये करते हैं। और अभी टॉप डाउन इंटीग्रेशन के भी कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज इसका यह है कि इसके अंदर बग्स को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा आसान है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने बोला था कि जो टॉप प्रायोरिटी वाले मॉडल्स हैं उनको हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं, तो जो मॉडल्स टॉप प्रायोरिटी पे है वो टॉप प्रायोरिटी पे क्यों है, क्योंकि उनमें से मोस्ट ऑफ द मॉडल्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल मॉडल्स है। मोस्टली वो मॉडल्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं इसलिए उनकी प्रायोरिटी हाई होती है। अब अगर टॉप प्रायोरिटी मॉडल्स को हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे तो जितने भी क्रिटिकल डिजाइन डिफेक्ट्स है उनको हम पहले ढूंढ के उनको फिक्स कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो सबसे ज्यादा लेस प्रायोरिटी वाले मॉड्यूल्स है जिनको हम एकदम आखिरी में टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा आखिरी में है इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि उनको हम सफिशियंटली टेस्ट नहीं करते, उनको हम बहुत ज्यादा इनसफिशियंटली टेस्ट करेंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम ये देखते हैं कि बॉटम अप इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। बॉटम अप इंटीग्रेशन के अंदर टॉप डाउन इंटीग्रेशन के अंदर जो हमने किया था उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले वो मॉडल्स टेस्ट करते हैं जिन मॉडल्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कम है, और फिर धीरे धीरे कर करके हम ऐसे मॉडल्स टेस्ट करेंगे जिन मॉडल्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, काइंड ऑफ दैट, ओके। और अब इसके भी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसके अंदर भी डिफेक्ट्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हम उन मॉडल्स को सबसे ज़्यादा आखिरी में टेस्ट करते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मॉडल्स भी है बट उनको तो हम एकदम आखिरी में टेस्ट करते हैं जैसे कि मैंने बोला था, तो इसीलिए उनके अंदर जो डिफेक्ट्स है उन डिफेक्ट्स को सॉल्व हम नहीं करेंगे इसके चांसेस है, या उन डिफेक्ट्स को हम मिस आउट कर देंगे उसके भी चांसेस है। अब हम ये समझते हैं कि सैंडविच अप्रोच का मतलब क्या होता है। सैंडविच अप्रोच को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस सब्जेक्ट के जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के अंदर आपको वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप एग्जाम में लिख कर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब सैंडविच अप्रोच जो होता है वो टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन होता है। सैंडविच अप्रोच के ऊपर अगर चाहो तो मैं 10-15 मिनट बात कर सकता हूँ बट आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आपको और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि स्टब एंड ड्राइवर का मतलब क्या होता है। स्टब एंड ड्राइवर जो है वो
इन दोनों अप्रोचेस के अंदर इस्तेमाल होता है, मतलब बेसिकली इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर स्टब एंड ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको अभी बस इतना जानने की जरूरत है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर स्टब एंड ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। अब स्टब एंड ड्राइवर क्या है, यूनिट टेस्टिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये जानना है कि स्टब एंड ड्राइवर क्या होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, बट अगर आपने बस इतना ही लिखा एग्जाम में तो दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि स्टार्टिंग से इतनी सारी चीज़ों के बारे में, इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। फिर भी अगर आपको लिखना है तो इट्स योर चॉइस। यूनिट टेस्टिंग के अंदर मैंने स्टब एंड ड्राइवर का कॉन्सेप्ट बता के रखा है। अब ये सारी की सारी चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।